बोली बिचकारी हाथ। तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर मैंने जिस तरह हॉली स्पेशल स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। हॉली नज़दीक आ रहा है तो इसलिए मैं हॉली स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों जो स्टेटस को आपने देखा है, इस तरह स्टेटस अभी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल है, खाली आपको फोटो ऐड करना होगा और स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पीजी जो कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं फोन यूज करने वाला हूँ सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेना और एलआईडी मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको टच करना होगा। और जो सॉन्ग बिट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर देखो जो सॉन्ग बिट मार्क है, ये सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिट मार्क में आने के बाद देखो इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो शुरू में कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देखो। और उसके बाद जो बीट है, ये बीट में आपको लिरिक्स ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेकंड बीट है देखो 2.10 सेकंड में ये बीट में आपको आना है। और ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में जाना और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये फोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों ऐसे करके फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद एकदम लास्ट में आपको आना है जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है, ऐसे करके दबा कर रखना होगा। नहीं सॉरी, ऐसे ही आपको रखना है ये फोटो को। और ऐसे रखने के बाद दोस्तों जो बीट है, ये बीट में फिर से आपको आना है, लास्ट ऑप्शन को टच करना है, ये वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना। ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद लास्ट में आ जाना और जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो कलर एंड फिल ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। जो ब्लैक डॉट है इसको नीचे और जो व्हाइट डॉट है के ऊपर कुछ इस तरह करके रोटेट कर लेना। तो ठीक से एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना है, ये कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है और ये जो डॉट है ये डॉट को नीचे कुछ इस तरह कर लेना। इस तरह करने के बाद एक बार बैक हो जाना तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फोटो को अब थोड़ा ऊपर ऐसे करके कर लेना। तो ठीक से फोटो को एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद देखो यहाँ पर जो फोटो है, ये फोटो में अब इफेक्ट ऐड करेंगे। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना। यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को आपको टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, फिर को टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना। यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आ जाना। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, को टच करना है और पेस्ट पर कर देना। तो पेस्ट करने के बाद देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो। तो अब क्या करना है देखो, यहाँ पर जो बीट है ये बीट में अब लिरिक्स ऐड करना है। तो ये बीट में लिरिक्स कैसे ऐड करना है देखो। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले एक बार बैक होना है और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना है। इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो यहाँ पर जो दो लिरिक्स लेयर है, ये दो लिरिक्स लेयर को ऐसे करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना। यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आपको आना है। सॉन्ग बीट मार्क में, सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद यहाँ पर जो सेकंड बीट है, सेकंड बीट में आना है और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से पेस्ट टू लेयर कर देना। तो पेस्ट टू लेयर करने के बाद देखो इस तरह आपको यहाँ पर जो लिरिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो दो बीट में मैं पहले से लिरिक्स ऐड करके रखता हूँ, देख सकते हो। और कुछ इस तरह आपको इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो फोन है, ये बंगाली फोन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। नहीं तो मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अगर आपके पास पहले से है तो डाउनलोड करना नहीं होगा।
तो देखो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना, यहाँ पर जो बीट है ये बीट में फिर से दो लेयर को पेस्ट कर देना, लिरिक्स लेयर को, और ये बीट में सेट कर लेना। तो ये बीट में कैसे ऐड करना है, देखो बीट के बराबर करना पड़ेगा। तो ये लिरिक्स लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। ये जो लिरिक्स लेयर है, ये लिरिक्स लेयर को ये बीट तक ले आना। उसके बाद अगला जो लिरिक्स लेयर है ये बीट में सेट करना है, तो ये टाइमर ऑप्शन को टच करना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह करके आप लोग यहाँ पर जो लिरिक्स है वो लिरिक्स को ऐड कर लेना। देखो कुछ इस तरह करके, इस तरह करके आपको यहाँ पर लिरिक्स को ऐड करना है। तो देखो ऐसा करके आप लोग जो लिरिक्स लेयर है ये लिरिक्स लेयर को ऐड कर लेना। सॉरी, यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको यहाँ पर लिरिक्स लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपना चैनल नाम वगैरह दे देना, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक है, यहाँ पर लिरिक्स लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये बीट में लिरिक्स नहीं लिखना है। उसको जो बीट है ये बीट में फिर से पेस्ट कर देना, जो बीट है ये बीट के बराबर कर लेना, कुछ इस तरह करके। देखो कुछ इस तरह करके आप लोग बीट के बराबर कर लेना। और यहाँ पर लिरिक्स ऐड करना है, मतलब चेंज करना है, तो जैसे करना है देखो ये लिरिक्स लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में जाना और इसको हटा देना। ऐसे करके हटाने के बाद नोटपैड ऐप में आ जाना, और नोटपैड ऐप में आने के बाद ये जो लिरिक्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके ये जो नोटपैड ऐप है उसमें पेस्ट करके रख लेना। और सेकंड ये जो मतलब लाइन है, ये लाइन को कॉपी करके अलाइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लिरिक्स है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग लिरिक्स को यहाँ पर ऐड करना कर लेना एकदम एंड तक, और लिरिक्स ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो देखो लिरिक्स सॉरी ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को आपको ऐड करना है। देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उधर से डाउनलोड करके। तो देखो ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना एकदम लास्ट में आ जाना। और ये जो बीट है, ये बीट के हिसाब से आपको रखना है, बाकी के पार्ट काट करके हटाना है। इस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो जीरो कर देना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद ऐसे करके दबा कर रखना होगा, और जो ब्लैक शैडो है उसके ऊपर आपको रखना है कुछ इस तरह। उसके बाद फर्स्ट में आना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना, और ये वाला जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को ऐड करना है। लास्ट में आपको ना ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस को बन लेना, और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद ये वीडियो को शेयर सॉरी मतलब सेव कर लेना। तो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है, और इधर से वीडियो को सेव कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।